So from Newton's second law, rate of momentum transfer is equal to sum of forces. If I talk about in the direction of particle, it will be gravity force minus buoyancy force minus drag force. Since the mass of particle, let's say MP, mass of particle is constant, so you can also write it as MP into dV by dt, that is equal to gravity force. What will be the gravity force on particle? MP into G, then buoyancy force and drag force. Drag force kya hota hai? Drag force will be simply CD AP rho F V square by 2. And what is buoyancy force? Buoyancy force is the lifting force, and buoyancy force is basically, you can say, the weight of the displaced fluid. ठीक है, मतलब जो भी सॉलिड आपने प्लेस किया उसके इक्वल वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, और जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू द बायंसी फोर्स. दिस इज द मास ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड इनटू जी. मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और डेंसिटी ओवर वॉल्यूम. Density into volume. This is the volume of displaced fluid, and volume of displaced fluid is same as the volume of particle. And volume of particle can be written as mass of particle divided by density of particle. Okay. So I can write buoyancy force as MP into rho F over rho P into G. And here MP is the mass of particle, rho P is the density of particle, rho F is the density of fluid, V is the V, समझना V सबसे important part है यहाँ पे. V is the velocity of particle within the fluid. इस लाइन का क्या मीनिंग है, समझते हो? V is the velocity of particle within the fluid means relative velocity of particle. Okay, so V is the relative velocity of particle, and relative velocity का मीनिंग क्या होता है? Suppose यहाँ पे fluid flow कर रहा है in the with the speed of 1 mm per second, and particle is moving with the speed of 2 mm per second. अगर मैं एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इन दोनों को देखता हूं तो ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट इफ आई यूज द वैल्यू, इफ आई वॉन्ट टू यूज द वैल्यू इन कैलकुलेशन, देन वॉट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? 2. अब क्योंकि ये अपोजिट है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है हमेशा v1 माइनस v2 यही होते हैं ना, 2 माइनस, बिकॉज दीज आर अपोजिट, माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 mm per second. क्लियर? एंड अगर ये फ्लूड इस डायरेक्शन में फ्लो करता तो, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाती 1 mm per second. ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर सपोज मुझे स्विमिंग करनी है, अगर मैं रिवर की डायरेक्शन में स्विमिंग करूं, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैं स्विमिंग करूं, तो मुझे कम फोर्स लगाना होगा,
क्लियर है? क्यों? बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी विल बी लेस एंड सिंस रिलेटिव वेलोसिटी इज स्मॉल ड्रैग फोर्स विल बी स्मॉल. अगर मैं रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना चाहता हूं तो ज्यादा फोर्स लगाना होगा. क्यों? बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी विल बी लार्ज इन दैट केस. सो ड्रैग फोर्स विल बी लार्ज. ड्रैग फोर्स का मतलब रेजिस्टिव फोर्स हो गया ना. अगर रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा है तो मुझे भी ज्यादा फोर्स लगाना होगा. रेजिस्टिव फोर्स कम है तो मुझे भी कम फोर्स लगाना होगा. क्लियर है? एंड व्हाट इज सीडी? सीडी इज द ड्रैग कोफिशिएंट, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग. एंड एपी इज द प्रोजेक्टेड एरिया. What is the meaning of projected area? A projected area means that part of the area which is projecting itself at first place. ठीक है, मतलब पार्टिकल डाउनवर्ड सेटल हो रहा है. ठीक है, तो उसे ऐसे समझो, ये पार्टिकल है और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन से आप उस पर लाइट टॉर्च लगाओ तो उसके बैक साइड में शेडो बनेगी. इफ दिस पार्टिकल इज सेटलिंग लाइक दिस तो यहाँ से अगर आप टॉर्च लगाओगे, लाइट इस पर इंजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो इसकी शेडो क्या बनेगी? रेक्टेंगुलर. Then projected area will be rectangular area. And if this particle is settling like this, then the shadow will be circular. Then the projected area will be cross-sectional area. Okay. So projected area वो area होता है जो सबसे पहले उसे project कर रहा है. Like if I talk about this particle, ये particle आपका downward move कर रहा है. तो फ्लू इसका कौन सा पार्ट सबसे पहले फ्लूड के कांटेक्ट में आएगा? दिस पार्ट. और ये सारा पार्ट इसके पीछे होगा कवर. ओके, सो दिस विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया. So tell me one thing here. अगर अभी हमने दो केस देखे थे कॉलम वाले, फर्स्ट when there was vacuum, second when there was fluid. तो वैक्यूम एंड फ्लूड के केस में अगर मैं वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पर फ्लूड के केस में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी? टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी. बट वैक्यूम की केस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है क्या वो टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी को क्रॉस कर सकती है? उससे ज्यादा हो सकती है? हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना. क्यों? बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स. सो वन थिंग इज क्लियर, इफ रेजिस्टिव फोर्स आर लार्ज then if resistive force are large then balance will force balance will be faster. Thus velocity of particle will be slow. Second case, if resistive forces are small, then force balance
will be slower. Thus, velocity of particle will be faster. ये समझने वाली बात है, बट मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप लिखोगे तो और याद हो जाए। इसे समझ रहे हो? ठीक है, अब इसे समझ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, सपोज एक पर्सन है, ही इज ट्राइंग टू जंप फ्रॉम 10,000 feet अबव। 10,000 feet की हाइट से उसे हमने जंप करा दिया। ठीक है, अब दो सिनेरियो हैं। फर्स्ट, उसके पास पैराशूट है। ठीक है, पैराशूट है तो पैराशूट ओपन हो गया, वो ऑब्वियसली नीचे अर्थ की तरफ ही आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। पैराशूट ओपन हो गया तो उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है दैट विल इंक्रीज। प्रोजेक्टेड एरिया इंक्रीज हो गया तो इट मींस ड्रैग फोर्स विल इंक्रीज। ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो गया इट मींस रेजिस्टिव फोर्स विल इंक्रीज। एंड अगर रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज हो गए देन दिस बैलेंस विल बी फास्ट। ये फोर्स जल्दी बैलेंस हो जाएंगे क्योंकि ग्रेविटी फोर्स कांस्टेंट है, बॉयंसी फोर्स भी कांस्टेंट है, ड्रैग फोर्स है जो है। प्रोजेक्टेड एरिया इंक्रीज होने से ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो गया तो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो जल्दी बैलेंस हो जाएंगे। एंड फोर्स जब जल्दी बैलेंस होंगे तो रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर विल बिकम जीरो क्विकली। तो उस केस में जो उसकी सेटलिंग वेलोसिटी होगी कम होगी, और इसलिए आपने देखा भी होगा पैराशूट ओपन होने के बाद पर्सन स्लोली नीचे आता है। सेकंड सिनेरियो, पर्सन पे पैराशूट ही नहीं था, समझ रहे हो, हार्ड लक, वो जंप कर गया, पैराशूट नहीं है, तो उस केस में प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? रिलेटिवली कम होगा। प्रोजेक्टेड एरिया कम है तो ड्रैग फोर्स भी कम होगा। ड्रैग फोर्स कम है तो ये जो फोर्स है ये बैलेंस होंगे क्या? टाइम लगेगा बट हो जाएंगे, टाइम के साथ बैलेंस होंगे। ठीक है, टाइम के साथ क्यों? क्योंकि वो तो फॉल हो ही रहा है ना, जब तक फॉल हो रहा है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी तो एक पॉइंट के बाद ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होता रहेगा, तो अल्टीमेटली रेजिस्टिव फोर्स बैलेंस होंगे बट टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस केस में जो उसकी सेटलिंग स्पीड होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, यही लिखा है मैंने प्रोजेक्टेड एरिया के रेस्पेक्ट में। ओके, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हम समझ चुके हैं, प्रोजेक्टेड एरिया के रेस्पेक्ट में भी मैंने आपको बता दिया, और इन जनरल उसे मैंने एक स्टेटमेंट में कवर कर दिया। तो वी नो दैट एट टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी डीवी बाय डीटी विल बी जीरो। तो उसके इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो इज इक्वल टू एम पी इंटू जी माइनस एम पी इंटू रो एफ ओवर रो पी जी माइनस सी डी ए पी रो एफ वी टी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये वेलोसिटी अब बन जाएगी टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी वी टी। एंड वेन यू रीअरेंज दिस यू विल गेट वी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ एम पी जी रो पी माइनस रो एफ ओवर सी डी ए पी रो पी रो एफ। दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल।
like we have already taken an assumption that the given particle is sphere. The sphere particle है, अब यहाँ पे आप देखो MP, AP, ρP, these are the three unknown variables related to particles. तो let's try to reduce three unknowns into one only. तो MP over ρP, AP. Mass over density is what? Volume over area. Volume of sphere, pi by 6 dp cube. And projected area is same as the cross-sectional area. That is pi by 4 dp square. तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी एंड व्हेन यू रिप्लेस दिस हियर यू विल गेट vt इक्वल टू दिस बट दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्फीयर स्फेरिकल पार्टिकल दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल पार्टिकल पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 1 बट लेस देन 10 टू द पावर 3 This is known as transition flow regime. यहाँ पे CD की वैल्यू होती है 24 over NREP plus 0.44. Third case, where particle Reynolds number is greater than 1000 but less than 10 to the power 5. This is known as turbulent flow regime and also called Newton's law regime. Here you can see CD is constant and that is equal to 0.44. तो ये value जो आप वहाँ replace करोगे तो VT आपका same form में ही रहेगा वहाँ कोई change नहीं आएगा as such. And last one is the when particle Reynolds number is greater than 10 to the power 5, that is known as highly turbulent flow regime. And here CD is taken as 0.10. और यहाँ पे भी terminal setting velocity का कोई equation change नहीं होता, same form में रहता है.